Shiram everyone and welcome to my channel. I am Kajal Yadav, PMS first year student, TNV Pune, Maharashtra. तो आज हम जाने वाले हैं फिर से एक मेडिकल कैंप है आनंदी, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है और ये हमारे हॉस्टल से यहाँ से करीबन एक घंटे की दूरी पर है. और यू नो द मेडिकल कैंप्स मेरे हिसाब से दे आर दी बेस्ट पार्ट ऑफ मेडिकल लाइफ. तो अभी 8 बज रहे हैं और हम रेडी हो चुके हैं. अभी हमें जाना है बस स्टॉप, वहाँ से हमें लगभग एक घंटे लगेंगे आनंदी पहुँचने के लिए. भक्त होते हैं या और जो लोग होते हैं दर्शन करने आए होते हैं, उन सब के लिए मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. तो अभी दिसंबर है और ये हमारा इस साल का आखिरी मेडिकल कैंप है. मैं थोड़ा लेट में उठी, अपने बैग में खाने की चीज़ें कुछ भर ली हैं कि हम अनंत चतुर्दशी के कैंप में गए थे. तो फिर मुझे वहाँ पर भूख ही नहीं लगी, पता नहीं क्या हुआ. वैसे मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे नाश्ता ज़रूर चाहिए होता है, बट मुझे वहाँ पर भूख नहीं लगी. तो यहाँ पर भी वैसे तो खाना देते हैं एक टाइम, ऐसा सुना है, बट देखते हैं आज का क्या होता है. हर दिन की सिचुएशन अलग अलग होती है. तो चलिए फिर से एक नए मेडिकल कैंप पर. और ये मेडिकल कैंप्स जो भी स्टूडेंट्स भी अगर देखते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल होता होगा. एक्चुअली वो संत ज्ञानेश्वर का टेम्पल है जो कि 1570 में बिल्ड किया गया था. आई एम फीलिंग रियली वेरी ऑनर्ड कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिल रहा है, वो भी मेडिकल कैंप जैसी चीज़. अनंत चतुर्दशी के कैंप में हमने सच में बहुत कुछ किया था रियल में, क्योंकि मोस्टली अभी क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हम अपने सीनियर्स के साथ और जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ जाते हैं. तो हमारे पास ज़्यादा करने को कुछ होता नहीं है, सिवाय मतलब कभी कभार हमने थोड़ा मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर दी, या कभी कभार तो ऐसा होता है कि किसी किसी मेडिकल कैंप में हम सिर्फ जाके देखते हैं. हालांकि वो भी बहुत अच्छा मौका होता है कुछ सीखने का, लेकिन जब खुद कुछ करने का मौका मिलता है तो वो फीलिंग अलग होती है, जो कि हमने अनंत चतुर्दशी के कैंप पे की थी. अनंत चतुर्दशी कैंप का मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी थी और पेशेंट सबसे पहले हो. यहाँ पर देखते हैं अगर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू हो पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी. लगभग 8:30 बजे हम पुणे के बस स्टॉप पहुँचे और वहाँ से हमने बस ली जिसका टिकट 50 रुपये का था. तो 50 रुपये का पास बना तो आप उससे एक दिन में बस से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की बस होती है. उसके बाद हम यहाँ पहुँचे आनंदी, जहाँ पर हमें बस ने लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था क्योंकि भीड़ इतनी थी कि आगे बस जा नहीं सकती थी, सबको पैदल ही जाना था. तो फिर हम वहाँ से पैदल निकले. आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं जैसे कि विधिकर्मा, अग्निकर्मा, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर परफॉर्म की और हमने अभ्यंग भी किया गया. हमें हर एक चीज़ करने का मौका दिया गया. इवन हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें हर एक बच्चे को पेशेंट देखने का भी मौका दिया, मतलब हम सब ने एक एक लोगों ने 5-5 पेशेंट्स देखे. ये अग्निकर्मा यहाँ पर कुछ मर्मो पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनके ऊपर कुछ प्रेशर दिया जाता है और इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है. तो लगभग 12:30 बजे हमें ब्रेक दिया गया खाना खाने के लिए. हमारे लिए वहाँ पर खाना था लेकिन मैं खाने का ज़्यादा कुछ ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था मोबाइल फ़ोन या कैमरा यूज़ करना. और फिर हम वापस आए अपनी ड्यूटी पर लगभग 1 बजे. और यहाँ पर बिना काम किए कुछ थके हुए लेटे हुए चेहरे. और उसके बाद हमने अपना पैकअप वगैरह किया. छोटे छोटे बच्चों की तरह झूले भी झूलने के लिए लड़ रहे हो तुम लोग.
मेरी शक्ल देख के पता चल गया होगा कि कैंप खत्म हो गया और फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पी, फिर पहुंचे हॉस्टल जहां पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सो हम फाइनली आ गए हॉस्टल। हम निकले थे सुबह के 8 बजे और अभी 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो टोटल सुबह 8 से लेके अभी 8 तो हमारे पूरे 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। बट बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मुझे लगा था कि अनंत चतुर्दशी से अच्छा मेरी लाइफ में भी कोई और कैंप नहीं आएगा, बट यहाँ पर भी आज हम लोगों ने बहुत कुछ किया। मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, पेशेंट्स को देखा खुद से, और पर्ची वगैरह भी बनाए जो बनाए जाते हैं, और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब हर एक काम किया, सब कुछ किया। तो बहुत मज़ा आया। हमारे सीनियर्स बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर के हैं, उन्होंने हमें भी एक एक बार मौका दिया सब कुछ करने का। सो आज संडे है और आज तो मेस में खाना भी नहीं मिलता है, तो मैं लेके आई चपाती, 3 चपाती खरीद के लाई, अभी मैगी वगैरह लेके आते हैं बाहर से और उसके साथ ही खाएंगे। वैसे तो जितना मज़ा आया उतने ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हैं, बट ठीक है। ये था आज का कैंप। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच। बाय बाय।